देखिए हमारे कितने क्रीमी व्हाइट सॉस पास्ता बने हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता जैन आज व्हाइट सॉस पास्ता बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए है पेने पास्ता 1 कप। पानी में उबाल आ गए हैं, पास्ता डाल देंगे। आधी चम्मच नमक और 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे और इन्हें मिक्स कर देंगे। इन्हें नरम होने तक पकने देंगे। जब तक पास्ता उबल रहे हैं तब तक इसकी बेजीज की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए पैन में 1 चम्मच बटर डाल देंगे। बटर मेल्ट हो गया है, अब इसमें सब्जियां डालेंगे। बीन्स, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, गाजर और शिमला मिर्च। आप जो भी सब्जियां डालने चाहते हो वो सब डाल सकते हो इसमें। जो भी आपको पसंद हो वो ही डाल दो। आधी चम्मच नमक, नमक स्वाद अनुसार। चिली फ्लेक्स आधी चम्मच, काली मिर्च आधी चम्मच, ओरिगेनो आधी चम्मच और इन्हें मिक्स कर लेंगे। इन्हें हमें थोड़ा सा ही पकाना है। अब गैस बंद कर देते हैं। अब हम व्हाइट सॉस बनाएंगे, तो इसके लिए 3 चम्मच बटर लेंगे। बटर को मेल्ट होने देंगे। अब फिर 2 टेबल स्पून मैदा डाल देंगे और इसे सेक लेंगे। इसे हमें हल्का ही सेकना है, कलर चेंज नहीं करना। ये मैदा सिक गई है, अब इसमें 2 कप फुल फैट दूध डाल देंगे और इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। अब इसमें चीज स्लाइस डाल देंगे, मैंने ये वाली ली है। दो डालेंगे। इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे 1/4 चम्मच, 1/4 चम्मच काली मिर्च और 1/4 चम्मच ओरिगेनो और इसे गाढ़ा होने तक पकने देंगे। अब जब तक ये पक रहा है तब तक पास्ता चेक कर लेते हैं। पास्ता हमारे तैयार हो गए हैं, इस तरह से देख लेंगे पास्ता टूट रहे हैं क्या। अब इसका पानी निकाल लेंगे। अब इस पर ठंडा पानी डाल देंगे। व्हाइट सॉस को जितना गाढ़ा रखना चाहे उतना रख सकते हो, मैंने इतना रखा है। इसमें सब्जियां डाल देंगे। अब इसमें ये सब्जियां डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पास्ता डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमारे व्हाइट पास्ता बन गए हैं। अब गैस बंद कर देते हैं। अब इस पर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो डालो, आप चाहो तो रहने दो। और ओरिगेनो डाल देंगे। ये हमारे व्हाइट सॉस पास्ता बनके तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।